देखिए, जो नागरिकता का बिल आया है ले लो, उससे इस देश का नागरिक बहुत खुश है और उसको खुश होना चाहिए। जिसके मन में कोई चोर है या जिसको अपनी नागरिकता पर शक है या जो देश के अंदर कहीं ना कहीं से गलत अवैध तरीके से घुसकर रह रहा है और यहाँ के देशवासियों के हिस्से में से हिस्सा बांट कर रहा है, तो उसको तो बिलबिलाना स्वाभाविक है और वही बिलबिला रहा है। जो भी नागरिकता का विरोध कर रहा है, इसका मतलब वह देशभक्त है ही नहीं, इस देश का नागरिक भी नहीं है, वो तो सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में ही आएगा। जो वायलेंस हुई उसमें सरकारी और निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ, क्या लगता है आपको कि सरकारें पहले से तैयार नहीं थी क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बहुत अच्छा निर्णय, क्योंकि मंडल कमीशन जब भारत में आया था और उस समय जो तोड़फोड़ हुई थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है उसी से वसूला जाए। कानून तो बन गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक उसका पालन नहीं हुआ। पहली बार सरकार ने बड़ी कड़ाई के साथ उसको लागू किया, चिन्हित किया और कुछ लोगों से जुर्माना वसूला भी गया। अब सब लोग जान बचाते घूम रहे, मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था। तो ये जो हिंसा हो जाती है और विशेषकर जो समूहगत हिंसा होती है, पिछले दिनों इस देश के बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े बॉलीवुड के जो वो नाचने गाने वाले कलाकार हैं, वो सामूहिक हिंसा को लेकर बड़े चिंतित हो रहे थे, कोई पुरस्कार वापस कर रहा था। लेकिन आज एक ही समुदाय के द्वारा इतनी बड़ी जगह जगह हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई एक ही दिन में, उनको क्या सांप सूंघ गया? एक भी सामने नहीं आया, क्यों नहीं बोला?